एक गल इत्थे अपने होर समझ वाली ये आ कि हरेक मुल्क नूं जिहड़ा भी मुल्क पछम के फलसफे दे नाल बनिया होया उस मुल्क नूं मुख रूप दे विच उत्थों दी जिहड़ी ब्यूरोक्रेसी आ उह चलांदी पुलिस अफसर फौज दे अफसर जां पॉलिटिशियन ये दोम नंबर ते ही हुंदे आ। हुण जे तुसीं जिहड़ा उस वक्त 84 जदों हमला होया उदों जिहड़ा पंजाब दा गवर्नर सीगा पांडे उहदी किताब पढ़ो उहने लिखी हुई आ इस सारे दौर दे उत्ते तो वह बहुत स्पष्ट रूप दे विच लिखदा भई फैसले कौन लै रहा सीगा फैसले लै रहा सीगा रौ दा चीफ वो IAS अफसर है फैसले लै रहा सीगा कैबिनेट सैकटरी वो IAS अफसर है फैसले लै रहा सीगा PMO दे विच जिहड़ा प्रिंसीपल सैकटरी टू PM वो भी IAS अफसर है वो कहिंदा बाकियां नूं तां फैसला लैके एग्जीक्यूट करन वेले मीटिंग सद्दे सी ईवन IB दे जिहड़ी बिल्कुल फैस जिस दिन मई दे अखीर दे विच जिस मीटिंग दे विच ऑर्डर देना सीगा उस मीटिंग दे विच वी कहिंदा IB दा हैड लेट बिठाया उन्हां मैनू दस दिता कहिंदा उन्होंने भी असीं हमला करन लगे हाँ तू आपदी एडमिनिस्ट्रेशन च तैयारी कर ला पर कहिंदा मैनू कहिंदे भी IB दे हैड दे मूहरे नहीं गल करनी इह उहदी लिखियां होईयां गल्लां ने एक होर मैं लगातार उत्थे जाके गल कही उस सारे अफसरां कोल भई सिखां दा हिंदुआं दे नाल कोई रौला नहीं है हिंदुआं दे नाल संत जरनैल सिंह जां अकाली दल दी कोई नफरत नहीं है उन्हां दे पोलिटिकल इशू आ ते उन्हां दी जिहड़ी एक खुद मुख्तियारी दी आनंदपुर साहब दे मते दे राहीं उह अपनी आस उमंग जाहर करदे आ उह पोलिटिकल मंग है ते उन्हां नूं पोलिटिकली इस मसले लई सुनना चाहीदा हल करना चाहीदा ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਾਲ ਏ ਡੋਗ ਮੈਡ ਦੈਨ ਕਿਲ ਹਿਮ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਦੇਣਾ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਯੋਜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਗੀ